शहर के लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए बुधवार को सिटी एसपी श्री राज ने बैंक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान साइबर अपराधियों द्वारा किए जाने वाले धोखाधड़ी के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। सिटी एसपी श्री राज ने बताया कि साइबर अपराधी अक्सर लोगों को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से संदिग्ध लिंक भेजते हैं, जिससे अनजाने लिंक पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी की चोरी का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और यदि कोई संदेहास्पद गतिविधि दिखाई देती है तो तुरंत संबंधित बैंक या साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए। वहीं बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों ने भी अपने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया। बैंक के अधिकारी ने कहा कि वे अपने ग्राहकों को समय समय पर साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगे और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह देंगे। वहीं सिटी एसपी श्री राज ने अनजाने लिंक से लोगों को बचने की अपील की है। आज जिला के जो महत्वपूर्ण जितने बैंक हैं सभी के प्रबंधक के साथ बैठक की गई है, जिसमें साइबर अपराध से होने के उपरांत क्या कार्रवाई करनी और ग्राहकों को क्या सुविधा प्रोवाइड कराना है उससे संबंधित एक बैठक की गई। इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक हम लोग साइबर थाना और जितने भी बैंक प्रबंधक हैं सभी का एक ग्रुप बनाया जाएगा और पीड़ित अगर थाने पे आते हैं या बैंक में आते हैं तो सबसे पहले उनको जो 193 जो कॉल पर फ़ोन करके अकाउंट को फ्रीज कराना है और जो भी SOPs हैं वो ग्राहकों को बताया जाएगा, पीड़ित को बताया जाएगा। इसमें इसलिए ये बैठक की गई थी और बैंक की तरफ से भी अगर कोई कंसर्न्स रहते हैं तो उसको पुलिस कैसे उसको टेकअप करना है, इस पर आज डिस्कशन हुआ है। आम लोगों को क्या करें सर? लोगों से ये अनुरोध है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अभी के जो हमने जो कल रिव्यू किया था तो उसमें निकल के ये आ रहा है कि जो हाल फिलहाल में जो केसेस हो रहे हैं उसमें क्रेडिट कार्ड संबंधित भी केसेस हो रहे हैं, तो उसमें लोगों से ये अपील है कि अगर आपने कहीं अप्लाई नहीं किया है और आपको ये कॉल आता है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड मिला है तो उस पर कतई विश्वास न करें और कुछ भी जानकारी प्राप्त करना हो तो पुलिस तथा बैंक में जाकर ही वो स्वयं जाकर ही वो जानकारी प्राप्त करें और कोई भी क्रेडिट कार्ड पे अनावश्यक लिंक क्लिक न करें। भागलपुर में आगलगी की घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन कार्यालय द्वारा शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस जन जागरूकता रैली को होमगार्ड कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में अग्निशमन विभाग के छोटे बड़े दमकल वाहन भी शामिल थे। वहीं अग्निशमन कर्मियों और पुलिस बल ने मिलकर यह रैली आयोजित की, जो अग्निशमन कार्यालय से शुरू होकर कचहरी चौक, मनाली चौक, भगत सिंह चौक से होते हुए अग्निशमन कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं रैली में शामिल आम नागरिकों को आगलगी से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की अपील कर रहे थे। उन्होंने खास तौर पर रसोई गैस, बिजली के शॉर्ट सर्किट और कूड़ा कचरा से एवं संस्थानों में लगने वाली आग से बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। पब्लिक के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि अग्नि से सुरक्षा होना जरूरी है और इसका निवारण ही इससे की सुरक्षा है। अग्निकांड नहीं हो इसके लिए हम लोग आज जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के समीप दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मीरा देवी अपने पुत्र विवेक कुमार, पुत्र वधु और पोती के साथ अपने घर बूढ़ानाथ आरके लेन से रिश्तेदार के घर जगदीशपुर जा रही थी। मीरा देवी का पुत्र विवेक कुमार स्वयं कार चला रहा था। वहीं अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट लाल हो गई, जिससे विवेक ने अपनी कार रोक दी। इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधी उनके पास आए और विवेक से कार का गेट खोलने के लिए कहा। जब विवेक ने दरवाजा नहीं खोला तो अपराधियों ने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वहीं विवेक ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की और इस बीच दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। इसी दौरान पीछे बैठे बाइक सवार अपराधी ने मीरा देवी के गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया।
किया। घटना के बाद मीरा देवी अपने पुत्र के साथ बबरगंज थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी। वहीं बबरगंज थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। भागलपुर के कटोली जा रहे थे, जगदीशपुर जा रहे थे कोई काम से। इतने में यहाँ अलीगंज में रेड सिग्नल लगा हुआ था, वहाँ पर मेरा बेटा गाड़ी खड़ा किया और जैसे रेड लाइन हुआ बस गाड़ी स्टार्ट किया तो दो लड़का गाड़ी का आगे आ गया। मेरा बेटा हॉर्न मारने लगा, उसके बाद वो नहीं सुना, आके पूरा शीशा में जोर जोर से धक्का मारने फैट चलाने लगा। हम बेटा बोले गेट मत खोलो, बस पूरा जोर जोर से गेट खोलने लगा, फैट से शीशा को खूब चूरने लगा। इतने मेरा बेटा गेट खोला, मेरा बेटा को भी दो तीन थप्पड़ लगा दिया, मेरा गला से चैन छीन के हटा वहीं करके भाग गया। मेरा गोदी में बच्चा था, हैं फिर से का चैन सोने का चैन था सर, सोने का चैन। हाँ, लगभग क्या वजन हो गया, क्या कीमत होगी? लगभग वही एक से डेढ़ भर का था। डर भय लग रहा है? भय तो बहुत लग रहा है, मेरा हाथ और बेटा कांप रहा है, थरथर कर रहा है सर। मेरा बेटा के साथ हत्या हो गया, अगर वो हत्या वहीं किया आगे और कुछ कर देता हम लोग हम क्या करते। बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। बिहार संविदा ANM संघर्ष मोर्चा महासंघ का आंदोलन का आज एक महीना पूरा हो गया है। आंदोलनरत ANM पिछले एक महीने से अपने विभिन्न मांगों को लेकर भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम लोगों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए, साथ ही मूलभूत सुविधाएं जो अस्थायी कर्मी को दिया जाता है वह हमें भी उपलब्ध होना चाहिए। ANM ने बताया कि हम लोगों को अगर 5 मिनट पहुँचने में लेट हो जाता है तो हम लोगों का अटेंडेंस कार्ड दिया जाता है, जबकि अस्थायी कर्मी के साथ ऐसा नहीं होता है। वहीं ANM ने चेतावनी भी दी कि यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ये हम लोग का ये आंदोलन चल रहा है, बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पहली तो मांग हम लोग का ये है कि हम लोग को नियमितकरण करते हुए समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरी है कि हम लोग को फेस अटेंडेंस जो बनाना पड़ रहा है उसके हिसाब से ही हम लोग को वेतन, सरकार कह रही है कि जुलाई से शुरू होगा फेस अटेंडेंस के साथ, कैसे हम लोग कर पाएंगे? हम लोग बहुत दूर दराज क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे आने जाने का कोई सुविधा नहीं रहती, 3-3 नदी को पार करके हम लोग को जाना होता है। अगर सरकार का कहना है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग को अटेंडेंस बनाना है, अगर हम 5 बजे वहां रहेंगे वहां से आने का कोई सुविधा नहीं है, कौन लेगा हमारा गारंटी? अभी इतना बाढ़ में पूरा सब कुछ डूबा हुआ है। भागलपुर में एक पंचायती के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के भी कुछ लोगों को आंशिक रूप से चोटें लगी है। वहीं घटना के बाद दूसरा पक्ष घर छोड़कर फरार हो गया। मामला भागलपुर जिले के सनौला थाना क्षेत्र सकरामा पंचायत का है, जहाँ मामूली विवाद सुलझाने को लेकर एक पंचायती बुलाई गई थी। इस दौरान एक पक्ष से दूसरे पक्ष की कहा सुनी हुई और दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला शुरू कर दिया। इस घटना में 2 महिला समेत 6 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं सभी घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला में चल रहा है। इधर घटना की जानकारी के बाद सनहौला पुलिस ने इलाके में छापेमारी की, लेकिन सभी घर छोड़कर फरार हो गए। वहीं घायल प्रदीप यादव ने बताया कि बीते दिनों जानवर दूसरे पक्ष के एक झोपड़ी में घुस गया और झोपड़ी में रखे कुछ सामान को बर्बाद किया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों में ग्रामीण स्तर पर एक पंचायती बुलाई गई थी। वहीं पंचायती के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी।
भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के कांवरिया यात्री शेड में राजकीय रेल पुलिस जमालपुर द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। दरअसल इस अभियान का उद्देश्य नशाखुरानी, साइबर फ्रॉड, विधि व्यवस्था और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाना था। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने सभी कांवरियों को नशाखुरानी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया। वहीं रेल डीएसपी मनीष कुमार ने उपस्थित कांवरियों और रेल यात्रियों को नशाखुरानी, साइबर फ्रॉड और अन्य अपराधों से बचने के उपाय के बारे में विस्तार से बताया और लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की सलाह दी। जागरूकता अभियान में बड़ी संख्या में कांवरिया और रेल यात्री मौजूद थे, जिन्होंने नाटक को सराहा और सुरक्षा के उपायों को समझने का प्रयास किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रेल डीएसपी जमालपुर मनीष आनंद, रेल इंस्पेक्टर सर रेल एसएचओ भागलपुर सुदीन राम, सर्किल रेल इंस्पेक्टर जमालपुर विलास पासवान और जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास मौजूद थे। देखिए, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन या पूरा बिहार में अभी थोड़ा कांवरिया को लेकर भीड़ भाड़ चल रही है। रेलवे स्टेशन पर नशाखुरानी को लेकर या साइबर अपराध को लेकर, मद निषेध को लेकर हम लोग एक जागरूकता अभियान यहाँ जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर करा रहे हैं और आम जनों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का कोई अनजान व्यक्ति चाहे कितना भी जान पहचान बना ले, यात्रा के दौरान कुछ चीज भी खाने को दे तो खाना नहीं है, उसको अवॉइड करना है और जहां तक हो सके अपने सामानों पर, अपने मोबाइल पर नजर रखेंगे। किसी भी प्रकार की कोई घटना घटने पर तुरंत अविलंब पुलिस पदाधिकारी को, आरपीएफ के जवान को सूचित करेंगे ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। सुरक्षित रहेंगे, सतर्क रहें।